पपो मेर भाल, पपो मेर हमार भाल, पपो मेर भाल, ओहो ओहो बबो मेर भाल, भाल के खाम रे भाल, बबो मेरी नमकीन आगू जाए खाना नमकीन आगू। हमार भाल हमार कंटेंट, हमार एकमात्र साधन ब्लॉग बनूनक, हमार एकमात्र साधन ब्लॉग बनूनक। तो दगड़ियो नमस्कार प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भालका पटा ब्लॉग्स में। और देखो दगड़ियो बादल क्या शानदार दिख रहे हैं, ये देखो तो मेरी तो नज़र सीधे इन पे ही गई। ओहो हो क्या डिज़ाइन बन रखा है बादलों का, गजब गजब गजब। देख रहे हो दगड़ियो बादलों का डिज़ाइन, देख रहे हो दगड़ियो। अब मुझे भी देख लो दगड़ियो। तो दगड़ियो अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, हालांकि आपको कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। दगड़ियो आप कितने गंदे हो सच में, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हो। हाँ आप लोगों से ये कह रही हूँ, किसी ने मुझसे ये तक नहीं बोला कि आपको क्या हुआ है, अपना ध्यान रखना। मैं डेली डेली आजकल व्लॉग अपलोड करती हूँ, ठीक है। बीमार होती हूँ तब भी वीडियो अपलोड करती हूँ, और जब मैं वीडियो अपलोड नहीं करती थी तब तो सीधे कॉमेंट आ जाते थे डेली वीडियो डाला करो, ये करो वो करो, और आपने मेरा एक बार पूछा तक नहीं कि अपना ध्यान रखना ये वो करके। खैर कोई बात नहीं, आपको मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे तो आप लोगों की फिक्र है, मुझे तो डेली व्लॉग बनानी ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारी मोमू अब नमकीन चबाते हुए बुकाते हुए नमकीन को गड़ियो कतो दिन बड़े था दांत भी ठीक हो रहे। हाँ मैं चलो नमकीन ले मेरी मम्मी खा ले, एक महीने घी सी रह रही हूँ खाने। मेरे को तो आपको खाने का मन कर रहा है, अंडे की जैसी दिख रही हूँ। दिन सह रहा है इसी में, ये बिराल से भीतर था बोलने बात, बिराल मरी गई, एक गुरु बाछू तो था वो बात दगर बोलने भाई हूँ बेलू बासले मरी। आ मैं निशा लागू मर छता मेरे बाछी तिला मैं गाल में खड़ा लिया, मैं चलो मैं कहूँ मैं अपन बच्चा देख लिया आदमी चल घूम रहा। तू तो अपनी बच्ची को देखेगी, मैं बिल्ली को कहाँ से देखूँ, हम मरी ना बाछू कैसे देखूँ। वो खेल पे चाहिए। हाँ दगड़ियो अब तो हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, हमारी बच्चिया चार सदस्य थे, न्यारी पहले प्यारी थी उसको तो हमने बेच दिया था, अब सोना का आप लोगों को पता ही है सोना भी अब नहीं है हमारे बीच, ठीक है। एक न्यारी थी छोटी दूसरी वाली बच्चिया, वो भी कल मर गई दगड़ियो, ऐसी हो रखा है। हमें बेले बाहर ने पकाया यो बिराल बाछू मर रही का आ गए, हमें बाहर ने पका हमें निशा ला गई बस आ निशा ला गई गुर एक रह दी दो बड़ी गोर जम रही एक गुर रही भीतर उम रहा बिराल को टांग बिल ले बड़ी भी न्या न्या करने भी दूध बैर हो दूध दूध खा दी बिराल हमारा। हाँ कहले दे दी कहले छा दी उसे जम रही बिना का ना फिर बिराल। सच में दगड़ियो हमारे तो मतलब ना जितना भी हम नहीं खाते थे, बिल्ली ज्यादा खाती थी, और मतलब इस गाँव की सबसे हट्टी कट्टी बिल्ली, भले ही हम हट्टे कट्टे नहीं है बट हम अपने हाँ वही तो जानवरों को अच्छे से खिलाते पिलाते, बट सबकी बिल्ली जिंदा है, सबकी, किसी को कुछ नहीं हुआ है, सबके आ रहे हैं सबके घूम रहे हैं, छोटे से छोटे बिल्ली जिंदा है। मैं ये नहीं कह रही कि औरों की बिल्ली को कुछ हो, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं मेरी बिल्ली के लिए कहाँ से क्या आया क्या हुआ, वैसी वादा गड़ी दिन पूरे हो गए क्या कर रहे हैं ना, मतलब हद ही हो गई, मतलब यार पता ही नहीं चला मेरी सोना का मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है अभी कंटेंट के नाम पे यही है दगड़ियों, हम यही सब बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। निराश हो गया निराल और बिराल और बच्ची देवी जाके ना वो सब ना शांत दिल हो रही मुराद निशा ला गई उदास हो गया बिराल दिए जन भैया दगड़े दी जन हमरे दी जन ले गया ना हमारा। वही तो क्या करें। तो दगड़ियों दिन में से भी मैं सोई थी, अभी जाके मैंने थोड़े बाल बाल बनाए, मैंने कहा थोड़ी ओहलिया ठीक करते हैं, व्लॉग भी बनाना ही है करके, ठीक है। अब मैं आपको क्या जैसा दिखाऊं, ठीक है। अब हमारे घर में ना हमारे घर से पहाड़ दिखते हैं, बादल दिख रहे हैं, बादल देख लो, एक ही हमारे फूल जो कि आप सड़ चुके हैं, सड़े हुए फूल देख लो दगड़ियों, मुरझाए हुए फूल भी नहीं है, और ये देखते हो तो ये देखो निकालू दंड देखो या मेरा जो हैरान नहीं हो खुदे हैं। हाँ और हमारी मम्मी के जूते देखो, कंटेंट देख रहे हो तगड़ियो, मेहनत देख रहे हो मेरी। मम्मी के जूते कितने साल पुराने हैं ये,
देखो मेरे को ऐसे जूते देखे इतनी हंसी आती ना, और जब ये पहनती है ना मेरे को गुस्सा आता है। बचपन में भी ऐसे पहनती थी जब ननिहाल जाते थे, ये कैसे लगते हैं एकदम ओल्ड फैशन अजीब से। ये आवाज भी, आवाज भी देखो सुना। मैं कहीं जो क्या बैठती हूँ घर में, शाम सीधे हो गया ये शाम से फट भी गए हैं तगड़ी हुई। पहले से मेरे स्कूल में ऐसे वाले जूते होते थे दगड़ियों, काले वाले ऐसे ही। मेरा ये तो इतना ही फटा है, उससे मेरा पूरा अंगूठा दिखता था दगड़ियों, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा अंगूठा दिखता था। और मम्मी से रोज कहती थी मेरे जूते फट गए हैं फट गए हैं, बट मेरी मम्मी को घर के कामों से, खेत के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं कितना मेरी इंसल्ट फील होती थी दगड़ियों, कितने दिन कहती थी मेरे को जूते बदलने, इसको देखो इसको देखो। बट इसको घर के कामों से फुर्सत हो जाए, फिर पाहू पाहू करके एक दो महीने ऐसे ही जूते गई मैं ऐसे ऐसे छिपाती थी दगड़ियों, अपना पैर ऐसे ही ऐसे ऐसे एक ही जूता दिखाती थी। इंसल्ट फील होती थी दगड़ियों। स्कूल में जाते थे घर से चप्पल पहन के जाते थे, जूते पन्नी में डाल के हाथ में लेके जाते थे। जब स्कूल में पहुंचे फिर चप्पल बैग में पन्नी में रखे, जूते पैर में डाले, ऐसे पैदल रास्ता था एक दो घंटे का, हम भी ऐसा ही करते थे। हाँ हर तीसरे दिन जूते फट जाते थे, कहाँ से लाए अपने पैसे तीसरे दिन जूते। तो दगड़ियों अब हमारी मोमो, हमारी क्या कहते हैं, हमने जो सब्जी उगाई है देखो दगड़ियों, मेरी मम्मी हर काम में आगे है दगड़ियों। यहाँ पे मम्मी ने लाई के पेड़ लगा रखे हैं दगड़ियों, ये देखो कोई भी खेत आपको खाली नहीं मिलेगा दगड़ियों। यहाँ पे मम्मी ने देखो कितने अच्छे से लाइन बार करके लाई के खेत लगाए हैं, रोज सुबह शाम इनमें पानी डालती है, ये देखो। अभी आपको और भी खेत दिखाएंगे हम, मम्मी ने और क्या क्या और सब डाल दिया, और सब खेतों में। अच्छा और किस किस में डाल दिया है मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे भी डाल रखा है मम्मी ने, यहाँ पे सुसु जैसी पता नहीं क्या करा रखी है। और ये है हमारा लाई का खेत, ये इसमें से सरा रखी है लाई, यहाँ पे बहुत घनी भी हो रखी है ये, इसमें से हम खाने भी लग गए हैं। और ये है हमारा धनिया, बंदरों का खाया हुआ धनिया दगड़ियों, थोड़ा सा इसमें अब जान जैसे आ रही है, अब थोड़ा और पलूर रहे ये ठीक खाने के लिए आ जाएंगे। तो अब मम्मी जा रही है पालक की खेत की सिंचाई करने। ये देखिए पहले कपाट खोले जाएंगे पालक के खेत के, ये है कपाट, क्या कर रही है उसकी गांठ खोल, ये बंदरों के से सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं दगड़ियों। ये पालक भी नहीं होने वाला इस साल दगड़ियों, ये तो गता ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पता नहीं है पालक को भी, इस बार तक तो हम पालक की सब्जी खा देते थे दगड़ियों, वही तो इस बार तो हम, ये पता नहीं कब आप होता है, अब अगले साल ही खाने को मिलेगा हमको। अब तो इस साल के 15 दिन रह गए दगड़ियों, 15 तारीख को, 16 तारीख हो गई, हाँ ऐसे 15 दिन रह गए, 31 जाएगा ना, इतना ही हो रखा है। पहला खरा कह रही है, लोगों ने एक बार खा के दगड़ियों दोबारा खाने लग गए हैं, दोबारा बोया हुआ खाने लग गए हैं। और ये है मेथी, ये देखिए ये भी नहीं छोटी छोटी हो रखी है, चिटकी चिटकी सी। चलिए जी आज का व्लॉग बस यहीं तक, ज़्यादा दिखाने के लिए हमारे पास पैच 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 पास कुछ है नहीं, ठीक है इतना ही देख दो आप, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है बस। बट जिस जिसने यहाँ तक देखा है वो तो मेरी सबसे पसंदीदा ऑडियंस है, जो जो यहाँ तक पहुँचे वो मेरी सबसे लवली कहते हैं एकदम ईमानदार ऑडियंस, जो सच में मेरे ब्लॉग देखती होगी ना वो यहाँ तक पहुँची होगी, वरना यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है, ठीक है इस पॉइंट तक मेरे ब्लॉग के। तो दगड़ियों जो भी कहा सुना उसको माफ़ कर देना, ठीक है मैं ऐसे बोल देती हूँ, बट सच्चाई तो यही है दगड़ियों, मैं रोज़ व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो आप लोगों को देखने भी चाहिए ना, मेरा दिल तोड़ना नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो अभी खेली बस इतना ही जगह रही हो,
एक्सेंट चेंज करके देखती हूँ कि आपका व्यूज़ आ जाए। तो देखिए अभी के लिए बस इतना ही, कल मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, और उम्मीद करूँगी कल कुछ अच्छा चटपटा ब्लॉग आपको देखने को मिले, क्योंकि अब मेरी तबीयत थोड़ी सी चटपटी होगी तभी तो मैं चटपटी ब्लॉग बना पाऊँगी ना, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सर्दी से बचिए, गर्म कपड़े पहनिए, गर्म चाय पीजिए, दूध पीजिए, गर्म पानी पीजिए, मेरी तरह लापरवाही मत कीजिए, ओके। अब बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए।